तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों झारखंड की 81 सीटों के लिए सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, इससे पहले हमने कई बड़े एक्सपर्ट और कई बड़े चैनल का एग्जिट पोल देखा है और झारखंड की 81 सीटों के लिए अब ताजा आंकड़े एग्जिट पोल के यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो सट्टा बाजार के ताजा भाव और किस पार्टी को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। झारखंड के लिए बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और एजीएस पार्टी जेवीएम को कितनी सीटें सट्टा बाजार इस समय दिखा रहा है। इसके अलावा भी आपकी जानकारी को बता दें कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 15 सीटों पर टिकी है सरकार। अगर बीजेपी को इन 15 में से 6 सीटें नहीं मिलती है तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी। तो लगातार 2018 से अब तक बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान होता आया है। मध्य प्रदेश के आंकड़े हमारे सामने थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ एकदम से बीजेपी इन तीनों राज्यों को हारी है। इसके अलावा भी अभी हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह के नतीजे सामने निकल कर आए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। तो क्या बीजेपी कुछ नया फॉर्मूला तैयार कर रही है अब झारखंड में सरकार बनाने को, क्योंकि अगर इस तरह के नतीजे आते रहे तो बीजेपी काफी परेशान हो सकती है आने वाले दिनों में। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों से ही काफी फर्क पड़ता है इलेक्शन के रिजल्ट पर। इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी का महागठबंधन सरकार बनाने का दावा रख रहे हैं, लेकिन इसी बीच पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 64% मतदान हुआ है। तो झारखंड की 81 सीटों के लिए सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े रख दिए हैं। बीजेपी 22 सीटों पर सिमट सकती है। ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सट्टा बाजार से निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जेएमएम को 28 सीटें मिल सकती हैं और इन 28 सीटों की अगर बात करें तो 43 सीटों पर जेएमएम इस बार चुनाव लड़ रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस 13 सीटों पर यहां पर आ सकती है। ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। और आरजेडी को 2 सीटें यहां पर मिल सकती है क्योंकि यहां पर 7 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जेबीएम की बात करें 10 और जेबीएम ने 81 यहां पर सीटों पर लड़ने का चुनाव किया है और किसी के साथ इसका गठबंधन नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अन्य के खाते में 6 सीट यहां पर जा सकती हैं। तो यहां पर अगर बात करें गठबंधन के लिए तो गठबंधन को यहां पर सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। गठबंधन को यहां पर 43 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं और कह सकते हैं कि इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार की रैलियां यहां पर की जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, हो सकता है कि बीजेपी का नारा है कि 65 पार, तो 65 पार होगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दी कि ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, फाइनल आंकड़े 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? क्या गठबंधन को ही यहां पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा? क्या बीजेपी जो नारा है की बार 65 पार लेकर चल रही है तो 65 पार हो पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।